कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर मजदूरों के लिए 1000 बसें चलाने के लिए अनुमति मांगी है। प्रियंका गांधी ने पत्र में लिखा कि पलायन करते हुए बेसहारा प्रवासी श्रमिकों के प्रति कांग्रेस पार्टी अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए 500 बसें गाजीपुर बॉर्डर गाजियाबाद और 500 बसें नोएडा बॉर्डर से चलाना चाहती है। इसका पूरा खर्चा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस वहन करेगी। महामारी से बचने के सब नियमों का पालन करते हुए प्रवासी श्रमिकों को मदद करने के लिए 1000 बसों को चलाने की अनुमति दी जाए। ये बसें यूपी बॉर्डर तक पहुंच चुकी हैं। हजारों की संख्या में मजदूर गर्मी में रुके हुए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की परमिशन का इंतजार है। पत्र के अंत में प्रियंका गांधी जी ने लिखा कि राष्ट्र निर्माता मजदूरों को इस तरह नहीं छोड़ा जा सकता। कांग्रेस पार्टी इनकी मदद करने के लिए प्रतिबद्ध है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं। हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद।